एक्टर बनने के इस प्रोसेस में डिप्रेशन, मिजरी, गरीबी, स्ट्रेस, मलाल, इन सब ने क्या कंट्रीब्यूट किया? जितने मेरे चादर थी उतना मैंने पांव फैलाया। मुझे याद है कि हम जब बॉम्बे आए थे, हमारा मैं और शुद्ध का गोल होता कि यार अगले महीने साले एवरी मंथ वी हैव टू अर्न 5,000 रुपीज। अच्छा, यू नो, क्योंकि 5,000 भी नहीं कमा पाते थे पूरे महीने में ना। और कभी मेरे साथ ऐसा टाइम नहीं आया कि मेरे पास काम ही नहीं है, छोटा छोटा काम चलता रहा। और स्ट्रेस फॉर श्योर, स्ट्रेस एंड हेल्पलेसनेस, एक दो चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ी हैं। बाकी चीज़ें ने सिखाया ही है, मतलब ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। इरफान, आपके करियर ग्राफ में अगर मैं पिछले 10 साल पढ़े, मैंने अच्छी फ्रीक्वेंसी है, 2-3 फिल्म्स एवरी ईयर, 3-4 फिल्म्स एवरी ईयर। एक एक्टर इस पे निर्भर करता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स ना करे, बजाय इसके कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स करे। दे आर रोल्स बीइंग रिटन फॉर यू? ऐसा नहीं है कि मेरे पास का हमेशा, मतलब जो काम आया उसमें से मैंने चूज किया। ऐसा नहीं है कि सारा काम जो है वो था जो मैं करना चाहता था। बहुत सारा काम ऐसा था जो मेरा बिल्कुल मन नहीं था करने का। बट आपको, आपके पास दोधारी तलवार पे आप गुजर रहे हैं। एक तरफ तो आपको इंडस्ट्री को ये इंडिकेट करना है कि आई एम एन एक्टर हु कैन एंगेज ऑडियंस, आई कैन एंटरटेन ऑडियंस, सो यू कैन बैंक ऑन मी वन थिंग विच वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट योर चॉइस। दूसरा आपको यू नो सर्वाइव करना है, आपको किस तरह से घर चलाना है, तो आप उस तरह की चीज़ें चूज कर रहे हैं। तो वो एक इसलिए वो गैप नहीं आया। जो भी जिस तरह का भी आ रहा है मैं उसमें से ही चूज कर लेता था। बट मैं इतना चूज नहीं करता था कि मैं बर्न हो जाऊँ। मैं कि अगर हासिल के बाद मैं चाहता तो रोज 2 फिल्में साइन कर रहा होता मैं। लेकिन मुझे पता था मुझे ये नहीं करना। जब जब मुझे चॉइस मिली अपने तरह काम करने की, वो मैंने यू नो एक्सरसाइज की, और जब नहीं मिली तो फिर यू नो मजबूरी में आपको करना पड़ा जो मिल रहा है।